इंट्रोड्यूसिंग रेडमी K30 प्रो। दोस्तों 10 तारीख को लॉन्च होने वाला है रेडमी K30 और उसके कुछ ही टाइम बाद लॉन्च होगा रेडमी K30 प्रो। दोस्तों इस फ़ोन में आपको काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ़ोन में आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, साथ में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। तो दोस्तों इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी, साथ में कैमरा क्वालिटी भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रेडमी K30 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.39 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज़ की बेजल लेस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2340 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 409 पिक्सल पर इंच की, और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों फ़ोन में आपको मिलेगी 120 हर्ट्ज़ की सुपर स्मूथ डिस्प्ले, तो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको काफ़ी अमेजिंग मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 के सेंसर के साथ, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों फ़ोन के फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 24 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको रेडमी K20 प्रो से काफ़ी बेटर मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन में आप कोई भी गेम आराम से चला पाएंगे, कोई भी लैग, हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको फ़ोन में नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 9.0 पाई का ऑपरेटिंग सिस्टम और कस्टम UI आपको मिलेगा MIUI 11। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जो कि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। फ़ोन में आपको दो रैम वेरिएंट मिलेंगे। पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 6GB 128GB और दूसरा वेरिएंट आपको मिलेगा 8GB 128GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। तो बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 6GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 30,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में जनवरी 2020 तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।